हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हिस्ट्री में एक सिंपल में आज स्टोरी के माध्यम से हम आपके सामने एक नई कहानी लेकर के आए हैं। एक अनकही स्टोरी जिसको इतिहास में छिपाया गया है, लेकिन इसने इतिहास को बदलने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अशोक के बारे में मैं, जिसे अशोक द ग्रेट कहते हैं, एक ऐसा शासक जिसके बारे में लोगों की जानकारियाँ जितनी इकट्ठा की जाती है उतने रहस्य पैदा करती है। इसी रोमांच और रहस्य से भरी इस कहानी में आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं अशोक और कारवाकी की कहानी। एक्चुअल में ये बात उस समय की है कि अशोक लड़का था बिंदुसार का, लेकिन ये नाजायज़ लड़का था, क्योंकि इसकी माँ का नाम जो था वो धम्मा था, और कुछ किताबों में इसके नाम पाशादिका मिलते हैं, कुछ में शुभद्रांगी मिलते हैं। तो अशोक की माँ का नाम कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, शुभद्रांगी पूछा जा सकता है, पाशादिका पूछा जा सकता है, और धम्मा पूछा जा सकता है। तो धम्मा और बिंदुसार का ये नाजायज़ लड़का था, इसीलिए धम्मा से बिंदुसार शादी नहीं करता, लेकिन गलत तरीके से उसे संबंध बनाए रखता है। यही कारण था कि अशोक के पालन पोषण का सारा खर्च बिंदुसार उठाता है। कहते हैं कि जब अशोक उसके पेट में था तो धम्मा जो है राजमहल की पहाड़ियों से गंगा नदी में छलांग लगाने जा रही थी, और तब चाणक्य ने उसकी रक्षा की थी। तो उसने कहा था कि चाणक्य, आप इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हो करके भी एक ऐसी माँ को बचाना चाहते हैं जिसकी पेट में एक नाजायज बच्चा पल रहा है, और उसका पिता उसे जायज संबंध नहीं बनाना चाहता, उसे उसके अधिकार नहीं देना चाहता। कहा, जब जब राज्य अत्याचार करता है तो उसका प्रतिरोध करने के लिए ही आचार्य का जन्म होता है। इसीलिए चाणक्य का एक बहुत बेहतरीन स्टेटमेंट है कि प्रलय और सृजन शिक्षक की गोद में खेला करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा था, धनानंद ने आचार्य से कहा था कि एक शिक्षक बताएगा कि राजा का क्या कर्तव्य होता है। तो इस पे चाणक्य का बहुत ही शानदार स्टेटमेंट है और बहुत लोकप्रिय भी हुआ था कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता धनानंद, प्रलय और सृजन उसकी गोद में खेला करते हैं। तो एक ये प्रलय और सृजन की एक ऐसी कहानी जिसमें एक माँ का त्याग और एक लड़की की ऐसी बेवफाई जिसे बाद में अशोक के जीवन में वापस लाया गया, उसका नाम है कारवाकी। तो अशोक और कारवाकी के इस कहानी को आज मैं आपको आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि साम्राज्य में एक ऐसा युद्ध जितना द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु हमले से लोग नहीं मारे गए, उतना केवल कलिंग युद्ध में मारे गए। तो कलिंग युद्ध हुआ क्यों था, उसके पीछे की मूल कहानी क्या है, यही बताने का मूल उद्देश्य है आपको। एक्चुअल में इतिहास में ये लिखाया गया है या बताया गया है सारी किताबों में कि इस लड़ाई के पीछे का जो मूल उद्देश्य था वो साम्राज्य विस्तार था। अगर साम्राज्य विस्तार था तो अशोक जैसा व्यक्ति 8 साल बाद युद्ध क्यों करता है, और ऐसा युद्ध कि इतिहास में नज़ीर बन जाए, उस युद्ध का जिक्र बार बार हो, ऐसा नरसंहार कि कारगिल एक कलिंग जैसे एक छोटे से स्टेट का समूल नाश हो जाए, उसके सभी नागरिकों की हत्या कर दी जाए, पुरुष नागरिकों की। तो ये युद्ध का कारण क्या था, ये युद्ध के कारण की पहले की जो पृष्ठभूमि है वो सिर्फ इतनी है कि अशोक ने कई शादियां की थी। वो शादियां कौन कौन सी थी, आइए उसको हम आपको बता देते हैं कि अशोक की बहुत सारी शादियां हुई थी। इसकी माता का तो हमने आपसे जिक्र कर ही दिया, ये हैं इनकी माता जी अशोक की, ये हैं बिंदुसार। इनकी माता का नाम मैं बता ही चुका हूँ, इनका नाम शुभद्रांगी था, धम्मा था, पाशादिका था। तो इन्हीं के संबंधों के आधार पर एक नए बच्चे का जन्म होता है जिसे हम लोग अशोक कहते हैं। अशोक की पत्नी का नाम आइए हम लोग जान लेते हैं कि अशोक ने कई शादियां की थी, जिसमें मुख्य जो शादी थी उसका नाम आप लोग जान लीजिए, इन्होंने बहुत सारी ही सेवरल टाइम्स ही गेट मैरिड एंड ही हैड सेवरल वाइफ्स। तो पहली जो पत्नी है उसका नाम है असंधिमित्रा। असंधिमित्रा 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 दूसरी है महादेवी, हु वॉज द मदर ऑफ हिज हेयर महेंद्र, संघमित्रा एंड चारुमती। इसकी 3 लड़कियां थी महादेवी की, और उनकी अन्य पत्नियों का जो नाम है, जैसे इसमें असंधिमित्रा दिया है, त्रिश्य रक्षिता है, पद्मावती है, और कारवाकी है। तो आज जो कहानी बताई जाएगी वो आपको कारवाकी की बताई जाएगी। असंधिमित्रा, महादेवी,
त्रिशरक्षिता, त्रिशरक्षिता के बारे में बस इतना जानिएगा कि अशोक की एक ऐसी पत्नी थी जो बौद्ध विरोधी थी। तो अगर आपसे ये कभी प्रश्न पूछा जाए कि अशोक की कौन सी स्त्री थी जो बौद्ध धर्म के खिलाफ थी, तो उसका नाम था त्रिशरक्षिता। और दूसरा प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अशोक की ऐसी कौन सी पत्नी थी जो अशोक के साथ शहीद हो गई थी, चिता में जल गई थी। हु एडॉप्टेड सती सिस्टम, द वाइफ ऑफ अशोका, तो उसका नाम था त्रिशरक्षिता, जिसने सती सिस्टम को एडॉप्ट किया था। तो इस तरह से आपके बारे में एक कहानी यह है कि जब कारवाकी की बात आती है तो कारवाकी के बारे में बस इतनी ही जानकारी रखिएगा कि कारवाकी अशोक की अंतिम पत्नी थी या सबसे उससे बाद में शादी किया था। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है छोटी परीक्षाओं में, बड़ी परीक्षाओं में, कि अशोक गद्दी पर बैठने के किस वर्ष कलिंग पर आक्रमण करता है। तो हमेशा लिख करके आता है 8वें वर्ष, 18th, एट 18th ईयर। 8वें वर्ष ही क्यों? क्योंकि अशोक और कारवाकी जब अपने संघर्ष के दिनों में थे तब से एक दूसरे को जानते थे। कारवाकी एक सामान्य घर की लड़की थी और इसने अशोक से ये वादा किया था कि शादी हम ही आपसे करेंगे, और अशोक ने भी वादा किया था कि शादी तुम ही से मेरी होगी और हम तुमको पटरानी का दर्जा देंगे। लेकिन ये उत्तराधिकार संघर्ष में पड़ जाता है। बिंदुसार की मृत्यु कब हो जाती है? बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है 273 BC में, 273 BC में। और ये गद्दी पर कब बैठता है अशोक? 269 BC में, 269 BC में। तो ये 4 साल कर क्या रहा था? उत्तराधिकार संघर्ष कर रहा था, आपस में लड़ाई कर रहा था। तो कहते हैं ये अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठा, इसीलिए इसने चंड अशोक की उपाधि ली। ही टुक द टाइटल ऑफ चंड अशोक, चांडाल अशोक की उपाधि ली इसने। और जब गद्दी पर बैठा तो इसने एक ही काम किया कि कारवाकी का पता करो कि वो कहाँ पर है। और जब इसका सेनापति स्थूलभद्र पता करने जाता है तो 8 साल बाद पता चलता है, दिस इंफॉर्मेशन रिसीव्ड आफ्टर 8 ईयर्स। और कहता है, जनाब बधाई हो, आप मामा बन चुके हैं। ऐसी स्थिति में अशोक कहता है कि जिस घर में, जिस राज्य में वो रहती है, उस राज्य पर आक्रमण करना पड़ेगा। और कहते हैं कलिंग में 10 साल के ऊपर के सभी पुरुषों की हत्या कर दी गई थी। 1.5 साल, 1.5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। हर घर से चीखने की आवाज आ रही थी। ऐसी स्थिति में कारवाकी ने क्या किया है? अपने बेटे तीवर को ले जाकर के गंगा में छलांग लगाना चाहा। तो वहां एक बौद्ध दार्शनिक आता है, देवगुप्त। देवगुप्त आकर के हाथ पकड़ लेता है कारवाकी का, कहता, मैडम एक बार आप छोड़ के गई थी तो इतना प्रॉब्लम हुआ था, दोबारा आप छोड़ करके जाएंगी तो फिर प्रलय होगा। तो उन्होंने कहा, इस युद्ध के लिए मैं जिम्मेदार हूं। कहा, हाँ, किसी से वादा करने की क्या जरूरत थी। लेकिन कहते हैं कारवाकी को देवगुप्त लेकर के जाता है उसका मन परिवर्तन कराने के लिए। अचानक उसका युद्ध में मन परिवर्तन हो गया। हम ये कहते हैं कि चीखने और महिलाओं के रोने से उसका हृदय परिवर्तन हुआ, नहीं, कारवाकी के चीखने चिल्लाने से उसके हृदय का परिवर्तन हुआ है। कारवाकी कहती है कि तुमने प्रेम को इतना बदनाम कर दिया, तुम इतने कमजोर हो गए कि तुम नर बलि पर उतर आए। यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस जेनोसाइड, इस नरसंहार के लिए तुम अकेले जिम्मेदार हो, और उसमें बार बार मेरा नाम आएगा। तब उसने कहा कि तुम्हारा नाम कभी नहीं आएगा, अब मैं अपनी भूल का सुधार करना चाहता हूँ, मैं धर्म परिवर्तन करना चाहता हूँ। तो उसने क्या किया? धर्म परिवर्तन किया और आजीवन कभी भी युद्ध न करने की घोषणा कर दी। यही कारण है कि आप देखेंगे कि अशोक के 13वें शिलालेख, 13वें अभिलेख, नंबर 13 की जो बातें लिखी गई हैं, नंबर 12 में जो बातें लिखी गई हैं, नंबर 11 में जो बातें लिखी गई हैं, अशोक के शिलालेखों में, ऑल रॉक एडिक्ट्स इन अशोकाज, 14 पॉइंट्स आर रिटन, 14 बातें लिखी गई हैं। और उन 14 बातों में 11, 12 और 13 नंबर की बातें धौली और जौगढ़ के अभिलेख से मिटा दी गई हैं।
11, 12 and 13 points are deleted from the Jolly and Dhauli on and Jogad inscriptions, rock edicts. Dhauli और Jogad अभिलेख कहाँ पर है? पुरी और जगन्नाथ, गंजाम, गंजाम और पुरी में अशोक के दो अभिलेख, बिक रॉग एडिक्ट, और उसमें से 11, 12 और 13 नंबर की बातों को मिटा दिया गया है, क्योंकि इसमें अशोक कहता है कि इस राज्य की जनता हमारे पुत्र के समान है, क्योंकि वहाँ पुत्र और जवान सबकी हत्या के लिए जिम्मेदार कौन था? अशोक था। इसलिए धौली और जौगढ़ में जो भी अभिलेख थे उसमें 11, 12 और 13 नंबर की बातें मिटा दी गई हैं। ये बार कई बार ये प्रश्न यूपीएससी ने पूछा है और यूपी पीसीएस और दूसरी पीसीएस परीक्षाओं में पूछा गया है। तो एक ऐसी प्रेम कहानी जिसने पूरे इतिहास की दिशा और दशा बदल दी, एक व्यक्ति को चांडाल से मानव बनाने और मानव से चांडाल बनाने की, ऐसी प्रेम कहानी इतिहास में शायद ही कभी देखने को मिली हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस कहानी के माध्यम से आप कनेक्ट हो पाएंगे। चूंकि अशोक ने ये युद्ध जीता, देवगुप्त के माध्यम से उसका हृदय का परिवर्तन हुआ, उसके साम्राज्य में एक अजीब सा परिवर्तन देखने को मिलता है और भविष्य में कभी भी अशोक ने दोबारा आक्रमण न करने की कसम खा ली। और जब दोबारा वो आक्रमण न करने का कसम खा लिया तो यहीं से उसकी भेरी नीति का स्थान कौन ले लेता है? धम्म नीति। और जीवन भर वो धम्म का प्रचार करने के लिए, बुद्ध का प्रचार करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर देता है। बाद में यही नीति उसके साम्राज्य के पतन का कारण बन जाती है, क्योंकि ये राज्य पूरी तरह से अहिंसक हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रेम कहानी के माध्यम से यूपीएससी में अगर आप जाएंगे देखेंगे इस प्रश्न का आंसर, तो इस प्रश्न के आंसर में एक बार आईएएस 2019 प्रीलिम्स में ये प्रश्न आया है कि किस अभिलेख में अशोक और कारवाकी के चित्र बने हैं? तो कंगनहल्ली अभिलेख में, कंगनहल्ली अभिलेख में, कंगनहल्ली अभिलेख में। ये कहाँ पे है? कर्नाटका में। दूसरा, कारवाकी का पुत्र तीवर अशोक का पुत्र तीवर कैसे हो गया? ये एक दिलचस्प कहानी है, इसलिए कई बार परीक्षा में पूछा गया कि प्रयाग प्रशस्ति में अशोक के किस लड़के का नाम आता है, क्योंकि देवगुप्त ने जब उसका हृदय परिवर्तन करवाया तो ऐसे ही हृदय परिवर्तन थोड़ी हुआ। अशोक से यही बात तो पूछी गई कि आपके युद्ध का कारण क्या है। अगर मुलजिम कारवाकी थी तो सजा इसको मिलनी चाहिए थी, तुमने पूरे राज्य की जनता को क्यों दिया? तो उसने क्या कहा? उसने कहा, एक्चुअल में अब मैं अपनी भूल का सुधार करना चाहता हूं। ऐसी स्थिति में अगर आपको ऐसी कहानियों के माध्यम से पूरा इतिहास पढ़ना हो तो गुरुकुल 10 सितंबर से आपको बुला रहा है। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हों आकर के दिए गए नंबर्स पे कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करा सकते हैं। एक बार मैं बता दूं, 8750-7111-00-22-33-44-55 या www.pojong.in पे भी जा करके अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर सकते हैं। एक हरियाली प्रदेश में, जहाँ पे अगर आपको मुझसे हिस्ट्री पढ़नी है, वो सारे एग्जाम्स में कैसे आते हैं, कैसे हम कहानियों के माध्यम से पूरे इतिहास को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश करते हैं और कैसे पूरा इतिहास कहानियों के आसपास से गुजरता हुआ आपके दिमाग में आ जाता है, तो हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात भर रटो सुबह सफा, ये कहानी अपने आप में मिथ साबित होगी अगर आप यहाँ ज्वाइन करेंगे तो। उम्मीद है कि गुरुकुल अगर आपको आना होगा तो यह वीडियो देखने के बाद आपका विचार जरूर करेगा। ठीक है, और इस तरह से एकमात्र अभिलेख है जिसमें इस बात का प्रावधान है। किस बात का प्रावधान है? जब उसने, देवगुप्त ने कहा कि क्या तुम इसे स्वीकार कर सकते हो, इससे सच्चा प्रेम करते हो? कहा, ऑफ कोर्स स्वीकार कर सकते हैं। कहा, इस नाजायज बच्चे को स्वीकार करोगे? तुम भी नाजायज बच्चे थे। कहा, बिल्कुल स्वीकार करेंगे। स्वीकार ही नहीं करेंगे, अपने किसी भी अभिलेख में किसी बच्चे का नाम नहीं डालेंगे, लेकिन तीवर का नाम डालेंगे। और तीवर का नाम कहाँ मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति में। इसलिए पूछा गया
21 अभिलेख में अशोक के लड़के का नाम है प्रयाग प्रशस्ति में, क्योंकि वहाँ लीगल एडॉप्शन हुआ था कि कारवा की हमारी पत्नी है और इसका लड़का तीवर हमारा लड़का है। इस तरह से आपको आज एक आश्चर्यचकित करने वाली कहानी के माध्यम से मैंने परिचित कराया। ऐसी ही एक कहानी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच की भी है। दोनों की अलग अलग प्रेमिकाएं हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पृथ्वीराज चौहान की प्रेमिका का पहली प्रेमिका का नाम कौन था, संयोगिता किस नंबर की प्रेमिका थी, और किस प्रेमिका के चक्कर में मोहम्मद गोरी भारत पर कई बार आक्रमण करता है। ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमें लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करने की आज्ञा चाहता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।